गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल है ईद और आज पूरा प्रिपरेशन करना है, सब कुछ ख़रीदना है। और आज इस ब्लॉग में आपको हमारा ईद का प्रिपरेशन का पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। सो वीडियो को बने रहिए वीडियो में और देखिए हम कैसे ईद का प्रिपरेशन करते हैं। और आज है 10th of April वेनसडे और कल है 11th April और कल ईद है हमारा। सो अभी हम जा रहे हैं सुबह उठ के, सुबह नहीं एक्चुअली दोपहर हो रहा था, तो अभी हम जा रहे हैं और रोहित जा रहे हैं स्टार मार्केट में बहुत सारा ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि हमने इनवाइट किया कुछ लोगों को, अप्रॉक्सीमेटली 30 लोग को हमने इनवाइट किया, तो बहुत सारा ग्रोसरी चाहिए इसलिए हम निकल गए। तो हमारे घर के सामने में ही है स्टार मार्केट और यहाँ से हम लोग लेते हैं। और ये टाटा का दुकान है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है टाटा का है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि टाटा में बहुत बहुत कम प्राइस में मिलते हैं। तो स्टार मार्केट सबसे बेस्ट है कम्पेयर टू अदर शॉपिंग मार्केट। स्टार मार्केट में सबसे सस्ता एंड एकदम बेस्ट क्वालिटी का सामान मिलता है। तो हम इतना आ नहीं पाते हैं, ऑनलाइन ही ऑर्डर करते हैं क्योंकि ये बहुत भीड़ रहता है, एनी टाइम भीड़ रहता है, इसलिए मेरे इतना पेशेंस नहीं है, मैं इतना आती नहीं हूँ। कभी कभी अगर ज़्यादा सामान लेना पड़ता है तब आ जाती हूँ। तो अभी हम आ चुके हैं और हमने बहुत सारा आइटम ले लिया है एंड फ्रूट वेजिटेबल्स ग्रोसरीज एंड बहुत कुछ आप लोग को हम घर जा कर दिखाएँगे क्या क्या लिया है। तो ये सब हमने लिया है और इसमें क्या क्या है घर जाके मैं सब कुछ दिखाऊंगी। और अभी हम बिल्डिंग के लिए वेट कर रहा है। फिर हमने यहाँ से पूछा है कि हम जो ट्रॉली है ले जा सकते, कि हमारे घर सामने बाद में हम आके रख देंगे ट्रॉली, तो रोहित ने वैसे ही ले लिया ट्रॉली। तो साथ में ये मेरे साथ ऐश भी है क्योंकि उसको ग्रूमिंग के लिए दिया था, उसको ग्रूमिंग भी हो चुका है तो उसको उठा लिया वहाँ से, क्योंकि कल ईद है तो इसका भी ग्रूमिंग कर दिया अच्छे से। तो वो ट्रॉली जो है ना वैसे ही लेके जा रहा है। और बाद में हमने पूछा था कि हम ले जा सकते हैं क्योंकि बैग में लेके जाना बहुत हेवी होता है, ट्रॉली बहुत कन्वीनियंट है, तो इस तरह से वो ट्रॉली घर तक लेके आ गया। तो चलिए रूम पे जाके हम लोग दिखाएंगे आप लोग को क्या क्या हमने लिया है, क्या क्या मार्केटिंग किया है हमने आज ईद के लिए। सो ये है ऐश, वो बैठा है बीच बीच में, मैं कर रहा था इसको, बहुत दिनों के बाद ग्रूमिंग हुआ है उसका, बाल वाल कट कर देगा, गर्मी है ना तो इससे उनको बहुत इरिटेट होता है उनका बाल से, तो बाल पूरा कटने ना थोड़ा सा शॉर्ट किया। तो ये सब सामान हमने लिया है, तो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाऊंगी क्या क्या लिया है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो में बने रहिए। सो ये फिर पहले लिया है वर्मसली जो कि सेवई जिसको हम शीर खुरमा बनाते हैं उससे, तो फिर कल बनेगा बिरयानी। तो बहुत सारा दही लिया है, 6 दही लिया है, 3 लीटर दही कि बहुत सारा बिरयानी बनने वाला है इसलिए। और लिया है बिस्किट स्नैक्स के लिए अगर ज़रूरत पड़ा तो, इसलिए ले लिया मैंने। तो कोल्ड ड्रिंक्स लिया क्योंकि यहाँ के लोगों को ना और हमें भी ना बिरयानी के साथ कोल्ड ड्रिंक्स खाना बहुत पसंद है, तो मैंने 2 कोको कोला लिया, 1 फैंटा लिया। फिर हमने लिया है ये शुगर क्योंकि कल शीर खुरमा बनेगा तो शुगर की ज़रूरत होगा। और यहाँ पर ये मैंने मिक्सचर लिया है, 2 मिक्सचर, बाई चांस अगर चाय वाय दिया लोगों को तो काम आएगा बोल के, तो मिक्सचर मैंने ले लिया। और फिर लिया है एल्युमिनियम फॉइल बिरयानी को दम देने के लिए, फॉइल इंस्टेड ऑफ आटा हम फॉइल यूज़ कर सकते हैं कि आटा थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है। फिर चिल्ली पाउडर लिया है और लिया है ये घर पे नहीं था स्क्रबर बर्तन धोने के लिए, और बड़ा इलायची लिया था, बाकी सब था हमारे पास, गर्म मसाला जो नहीं था वो लिया है, जीरा मसाला पाउडर लिया था। और यह पुदीना बिरयानी के लिए लिया है, और यह धनिया ये भी बिरयानी के लिए। और फिर लिया है दूध, 5 लीटर्स दूध लिया है क्योंकि शीर कुरमा जो स्वीट है ना वो बनाने के लिए दूध बहुत चाहिए होता है, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी 2 लीटर्स था घर पे तो 5 लीटर ले लिया। तो केसर लिया है और शीर कुरमा के लिए, और रिफाइंड लिया है मैंने, 4 लीटर रिफाइंड लिया है, एक्स्ट्रा भी ले लिया। और राइस पूरा टूट चुका था वो प्लास्टिक ना, तो इसलिए मैंने डब्बा में डाल दिया राइस। और मस्टर्ड ऑयल लिया है, टिश्यूज़ लिया है, मस्टर्ड ऑयल घर के लिए लिया है, कल तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फिर से लिया है ये ओडोनिल बाथरूम के लिए, और लिया है ये टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट थोड़ा थोड़ा लिया क्योंकि घर पे ऑलरेडी था, इसलिए एक एक पैकेट ले लिया। और धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, घी, और ये शीर खुरमा के लिए ड्राई डेट्स लिया है 500 ग्राम का। एंड लिया है आलू 2 किलोस, आलू तो कल ज़रूरत नहीं होगा। ये लेमन
फिर भी घर के लिए ले लिया। और प्याज लिया 6 किलो और टमाटर भी था, तो इतना ही है। और फिर ना हमारे बिल्ली ऐश के लिए कपड़ा आ चुका था, मैंने एक ऑर्डर किया, बहुत चीप में मिला मुझे, और पर वो नहीं पहन रहा था, पता नहीं कल कैसे पहनेगा उसको, कल हम पहनाएंगे ज़बरदस्ती उसको कम्फर्टेबल, उसको पसंद नहीं है, ऊपर गुस्सा हो गया वो। तो फिर मेरा हस्बैंड ना वो बाहर से लेके आया था ये प्लेट ग्लास लेके आया था, तो उसने टिशू भी ला दिया, ऑलरेडी मैंने लाया टिशू, फिर से टिशू ला दिया। प्लेट और ग्लास तो चाहिए होता है क्योंकि कल लोग आएंगे तो हम ऑब्वियसली वो प्लेट्स में नहीं दे सकते घर वाला, क्योंकि कौन बार बार धोएगा ईद के दिन में, तो इसलिए प्लेट ग्लास लेके आया हम लोग ने। और फिर हम लोग ने लंच भी बनाया था, हमारा रोज़ा था, जिसका रोज़ा नहीं था वो लोग लंच कर रहे फिश करी से, तो हम तो शाम को खाएंगे इफ्तारी। गाइस मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी मेरा ईद का आउटफिट, मैंने 3 आउटफिट लिया है, जो कि एक है आंचो से और 2 मैंने लोकल मार्केट यहाँ चिपकट से लिया था। सो एक एक करके मैं दिखाऊंगी। सो मैं फर्स्ट आप लोगों को दिखाऊंगी जो मैंने लोकल मार्केट से लिया उससे। एक्सक्यूज मी प्लीज, कैन यू एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। तो ये दोनों सूट लिया, एक है ब्लैक और एक है वाइट, क्योंकि मेरा पास सबका लगा सूट था पर ब्लैक वाइट का इतना नहीं था, तो इसलिए मैंने इस बार ब्लैक एंड वाइट लिया है। ये बहुत सिंपल कॉटन का है, जो मुझे इस टाइप का बहुत पसंद है, सिंपल टाइप, सिंपल एंड एलिगेंट, जिसमें आपको इस तरह का वर्क दिया हुआ है। ये है, बहुत सिंपल है, मुझे इस तरह का कपड़ा बहुत पसंद है, पहनने में कंफर्टेबल है, इसका हैंग वर्क बहुत अच्छा है एंड काफ़ी अच्छा प्राइस में मिल गया था मुझे, इतना भी प्राइस नहीं लिया इसका, कम से कम 1500 के अंदर था शायद, मैं भूल चुकी हूँ, या 2000 के अंदर होगा। और ये है पैंट, इसका पैंट भी बहुत ब्यूटीफुल है, देखिए पैंट में इसका ये वर्क है, और इसका दुपट्टा है कॉटन का, इस तरह से है ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है। तो ये है एक सूट, और दूसरा मैंने लिया है ब्लैक कलर का सूट। इस सूट का जो मटेरियल है थोड़ा सा गर्मी है, कॉटन नहीं है, दूसरा अगर गर्मी के सीज़न में पहनोगे तो आपको गर्मी लगेगा, पर बहुत ब्यूटीफुल है। मैं इस सूट में मैंने ट्राई किया था और ये सूट मुझे बहुत अच्छे से आया था, फिट बहुत अच्छा हुआ था एंड बहुत ब्यूटीफुल है, कितना प्यारा है, ये देख सकते हैं, ये है सूट, ये है इसका दुपट्टा, बहुत अच्छा है इसका दुपट्टा, ये ब्लैक कलर का दुपट्टा है, बहुत प्यारा है इसका दुपट्टा, पूरा दुपट्टा में काम है, तो इसका दुपट्टा ही सबसे बेस्ट है। और पैंट तो सिंपल है, इसका कुछ भी नहीं है। और ये मेरा सबसे फेवरेट है, बहुत आराम हो गया उसका, इसका वो कर दिया था ना ग्रूमिंग, उसका बाल वाल पूरा कट कर दिया, बहुत उसको शांति फील हो रहा होगा ना गर्मी में, बेचारू शेंचो। ये मैंने आटो से ऑर्डर किया, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ लग गया मुझे मिलने के लिए, और मैंने सुना था कि आटो में बहुत टाइम लगाता है डिलीवरी के लिए, इसलिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी दिया था, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि आएगा कि नहीं, पर लकीली आ चुका है एंड बहुत प्यारा है, चलिए आप लोगों को दिखा दूँ। इस बार मैंने जो भी कपड़ा खरीदा ना सब कुछ वो था, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर जो कि मैंने नहीं था वो सब कलर का मैंने खरीदा। ये है फ्रॉक टाइप सलवार, ये फ्रॉक सलवार है आंचो से, और इसका पीठ में ये काम है, इसका रस्सी है एंड इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, प्यारा दुपट्टा है, मुझे बहुत प्यारा लगा, इसका कपड़ा बहुत कंफर्टेबल है, बहुत प्योर कॉटन है, और ये पैंट है सिंपल का, और उन्होंने ये नोट भी दिया था अच्छे से
मैं शायद ये पहनूंगी कल। तो बस इतना ही था मेरा ईद की शॉपिंग, और मैं आप लोगों को शाम को दिखाऊंगी और क्या क्या हम प्रिपरेशन करते हैं। मेरा नया सूट के ऊपर बैठा है। हेलो 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 हेलो, मेरे कपड़े के ऊपर क्यों बैठा है? तुम्हारा बाल लग जाएगा मेरे कपड़ों में। कितना बदमाश। सो मैं इसका प्राइस बताना भूल चुकी थी। ये 2800 था, ऑफर में था इसलिए कम था। राजो का ड्रेस तो बहुत कॉस्टली होता है। पूछी पूछी पूछो 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 फिर शाम को मैं और मेरा हस्बैंड हम दोनों चले गए हैं मेहंदी लाने के लिए, क्योंकि मेहंदी नहीं लाया था इसलिए अभी मुझे मेहंदी चाहिए। तो मेहंदी लाने के लिए हम चले गए, और जाते जाते ना हमें रास्ते में ना ईद का चांद भी दिखाई दिया, वो आप लोग देख सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा रुक के हमने फ़ोटो खींच लिया ईद का चांद, कितना प्रेटी लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो फिर हमने मेहंदी ले लिया, 5 पैकेट लिया, क्योंकि और 2 लड़की था, मैं और सुमी और मेरा बहन, और हमारे घर पे एक रहते लड़की पुष्पा, तो हम तीनों के लिए हमने ले लिया और पे किया। और पे करके फिर हमें घर जाना है। घर में जाके बहुत सारा काम होगा ईद का, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं काम। मेरा हस्बैंड जो है शीर खुरमा का वही करता है हर ईयर, तो शीर खुरमा का जो भी ड्राई फ्रूट है वो सब कट कर रहा था, और यहाँ पर हम लोग प्याज छील रहा था और कट करके रखा था बिरयानी के लिए, क्योंकि हम कल कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि कल बहुत ईद का दिन है, थोड़ा सा लाइट रखेंगे बोल के कल से बनाएंगे। आज सब कुछ रेडी करके, अदरक लहसुन का पेस्ट तो मैंने बहुत 2-3 दिन पहले ही मैंने पेस्ट करके रखा था, और ये ऐश उसको पता नहीं क्या हो गया, सो रहा था, उठ के आ गया और देख रहा है वो क्या कर रहा है सबको। तो अभी प्याज बहुत सारा छील के कट करके, इवन रायता के लिए भी मैंने प्याज कट करके रखा था, ताकि कल ना इतना हड़बड़ी ना हो, कि लास्ट टाइम ईद में बहुत हड़बड़ी हुआ था इसलिए। तो ये देखिए ऐश उसको देखिए वो कुछ कर रहा है, उसको कुछ दिखाई दिया, वो बहुत एक्साइटेड है आज, उसको बहुत फ्री लग रहा है, उसको ग्रूमिंग हुआ है ना, सब क्लीन हो चुका है ना, उसको खुद ही शायद बहुत रिलीफ मिल रहा है, उसको बहुत खुश है आज वो। देखिए वो अभी थोड़ा देर देखेगा सबको, फिर सोने चला जाएगा उसको। और मेरा हस्बैंड ये डेट्स कट कर रहा है, ड्राई डेट्स। ये डेट्स ना बहुत ड्राई होते हैं, सब कट करने के लिए ना बहुत मुश्किल होता है। और मैं प्याज कट कर रही हूँ, ये सारा प्याज जो है ना मैंने ही कट किया, क्योंकि ना मुझे अपने हिसाब से कट करना था, इसलिए मैंने किसी को दिया नहीं है, मुझे ही कट करना है बल्कि थोड़ा पतला पतला कट करना है बिरयानी के लिए। और फिर चिकन ला दिया था भाई ने, तो चिकन भी धो के रखा है। तो हम लोग 10 किलो बिरयानी बनाएंगे, तो 5 किलो चिकन 5 किलो राइस का। तो मैं चिकन आज भी धो के रख दूँगी, कि देखिए ऐसा करने से ना प्लानिंग से तो आपका काम ना ईजी हो जाता है ईद में, ईद का पूरा दिन ही आपको काम नहीं करना पड़ता। तो अगर गेस्ट आएंगे तो ऑब्वियसली उनको खिलाना पिलाना तो पड़ता है। तो कबाब के लिए भी चिकन लाया था, वो भी मैंने वॉश करके रख दिया। तो अभी ये लोग ड्राई फ्रूट्स का काम कर रहे हैं, आलमंड्स, कैशूज, रेजिंस तो कट नहीं करने, आलमंड्स, कैशूज और ड्राई डेट्स को लोग छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे थे। और यहाँ पे गाना बजाया हुआ था ईद का माहौल क्रिएट करने के लिए, अच्छा सूफी सॉन्ग से वो सब, और सब लोगों से गाना सुन के काम कर रहा था। और यहाँ पे पूरा हाफ जो डेट्स है वो कट हो चुका है, ड्राई डेट्स। ये डेट बहुत मुश्किल होते कट करने, पता नहीं वो लोग ने कैसे कट किया रहे, मुझे तो मैं इरीटेट हो जाती हूँ डेट्स कट करने के लिए। और ये देखिए जो ट्रॉली है उसमें सो रहे वो उठना भी नहीं चाहता, खाना भी नहीं खाया उसने, उसको मैं कितना उठा रही हूँ पूरा पकड़ के रखा है, उसको उधर ही सोना है, उसको बहुत पसंद आ गया वो। और यहाँ पे जो चिकन है वो वॉश हो गया, और ये है कबाब के लिए चिकन, ये 5 किलोस चिकन है। और यहाँ पे जो आलमंड्स एंड कैशूज है वो भी कट हो चुका है। और अभी मैं कबाब के लिए ना वो मैरिनेट कर रही हूँ सब, आज मैरिनेट करके रखने से ना कल कबाब बनाएंगे तो बहुत टेस्टी होते हैं, इसलिए अगर आप लोग भी कबाब बना रही है, बेंगलोर स्टाइल कबाब है, अब आप लोग भी कबाब बना रही हो ना, तो उसको एक दिन पहले ही मैरिनेट करके रखिए, तो टेस्टी बहुत टेस्टी बनता है। मैरिनेशन के लिए मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट ये सब देना है, कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा दही, थोड़ा लेमन भी ऐड कर सकते हैं, और कलर, फूड कलर मैंने ऐड किया है। फूड कलर एक्चुअली अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, पर फिर भी थोड़ा सा देने से रंग आता है, क्योंकि कश्मीरी चिल्ली पाउडर से इतना रंग नहीं आता है। तो फिर मैंने ना सबके लिए चाय बनाया, कि सब लोग ने शाम को इफ्तारी किया था, तो खाना भी खाया था उसमें थोड़ा थोड़ा, फिर भी भूख लगी, बोल के अराउंड 10 o'clock हो रहा था शायद, 9:30 10 o'clock, तो मैंने सबके लिए चाय बना दिया।
चाय और स्नैक्स हम खाएंगे और फिर हमने सबने चाय पिया है और ये बैठा हुआ है। इतना क्यूट है ये, इतना क्यूट है वो, आराम से बैठा है, कुछ डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उसको अपना ही खाना खाना है हमारे पास, हम खाएंगे उसके सामने, फिर भी उसको लालच नहीं है, वो आराम से बैठा हुआ बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट हैबिट है उसका। और देखिए अभी हम लोग सब मेहंदी लगा रहे हैं, मेरा हस्बैंड ने खिचड़ी बना दी रात को डिनर के लिए, पर अभी मेरा काम हो चुका था इसलिए हम लोग सब बैठ के मेहंदी लगा रहे थे। मैं देख, मुझे लगाना नहीं आता है, फिर भी मैं देख देख के लगा रही थी वीडियो से, सब फ़ोटो से, सब लोग फ़ोटो से देख के बना रही थी। सुमी का ही बहुत अच्छा बना था मेहंदी, मेरा इतना अच्छा नहीं बना था, पर फिर भी मैंने ट्राई किया। मतलब मेहंदी जैसे भी लगाओ पर कलर आने से ना अच्छा ही लगते, और मेरे हाथ में साथ ही साथ कलर नहीं आते पर धीरे धीरे कलर आ जाते। तो हम लोग सब देख देख के लगा रहे थे मेहंदी, और फिर ऐश भी बैठा हुआ था, वो भी मेहंदी आराम से बैठा है ना, आराम है, क्यूट है ना, देखिए देखो उसका आँख नींद आ रहा है, कितना क्यूट है। खाना खा चुका था वो, फिर खिचड़ी ला के दिया हस्बैंड ने, तो खिचड़ी खा खा के लगा रहा था। मेरा खिचड़ी कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा है, मेरा खिचड़ी कंप्लीट होने में कम से कम हाफ एन आवर लग गया शायद, खिचड़ी खा के फिर मैं लगा रही थी, क्योंकि मुझे दो हाथ में लगाना था, एक हाथ का हो चुका है मेरा, फिर मतलब एक ही हाथ में लगाना था, दो साइड में, एक साइड में होने वाला था, फिर नेक्स्ट साइड में हम लगाएंगे। और अराउंड 11:30 तक, आई थिंक 11:30-11:45 तक हो चुका है लगा के मेरा, हम सब का हो चुका है। अभी हम जाएंगे सोने, और ईद का जो ब्लॉग है वो हमें नेक्स्ट ब्लॉग में अपलोड करूँगी, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा ईद में हमने क्या क्या किया है, और ईद का ब्लॉग के लिए स्टे ट्यून, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हमने इन्जॉय किया है। सो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बाय बाय।